पूरा देश आज नाग पंचमी का त्योहार मना रहा है। इसी कड़ी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे। लगता हमारे खिलाड़ी जब यहाँ पर पहलवान आकर के यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और खेल के नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार के आयोजन में सहभागी बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह न केवल खेल के प्रति उनके अनुराग को बल्कि अपने पर्व और त्योहारों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी उनके भाव को प्रदर्शित करने का एक उचित मंच प्राप्त होता है। जहां वे गोरखनाथ मंदिर में चल रही दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी शामिल हुए, वहीं पहलवान केसरी भगत सिंह यादव, कुमार अनिल यादव और वीर अभिमन्यु जनार्दन यादव ने प्रतिस्पर्धियों को चारे खाने चित करते हुए पुरस्कार अपने नाम कर लिया। साथ ही विजेताओं को सीएम योगी ने सम्मानित किया। बता दें कि कुश्ती प्रतियोगिता को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सीएम के गोरखपुर आगमन पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद दिखे। गौरतलब है कि सीएम योगी गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा सीएम योगी बुधवार को मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे और फरियादियों की समस्या सुनेंगे। वहीं दोपहर में एमएमटी में आयोजित रोजगार मेला में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नगर निगम के 125 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही बुधवार की शाम को आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इंडिया पब्लिक खबर के लिए गोरखपुर से संवाददाता रविन्द्र चौधरी की रिपोर्ट। इस स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।